हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर चैप्टर में आगे पढ़ते हुए अल्कोहल्स के सारे टेस्ट को कवर करने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और आइए सीखते हैं क्या हैं अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर में अल्कोहल्स के सारे टेस्ट। अल्कोहल मेनली चार टेस्ट शो करता है, उन चारों टेस्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कम समय आपका लगेगा, लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आफ्टर दिस वीडियो। जो पहला टेस्ट है वो है रिएक्शन विद मेटल। मेटल में मेनली हम सोडियम का यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम लैब में इजीली अवेलेबल होता है, इसीलिए हम सोडियम का यूज करते हैं। और सोडियम बहुत जल्दी रिएक्शन भी करता है, इसीलिए रिएक्टिव होने की वजह से भी हम सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कोई भी अल्कोहल लें, अभी कोई भी अल्कोहल, मैं कह रही हूँ ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या कोई भी टाइप का अल्कोहल हो सकता है, इस अल्कोहल की रिएक्शन जब हम सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो ये सोडियम का एक सॉल्ट बना लेता है और साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और इसी हाइड्रोजन गैस के रिलीज से हम समझ जाते हैं कि अल्कोहल प्रेजेंट है। अब जो ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस कैसे पता लगाएंगे? पहली चीज तो हमें ये पता चलेगी, जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में सोडियम डालते हैं अल्कोहल के साथ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो बुलबुलों के साथ निकलेगी। और उसके अलावा अगर हम उसमें किसी माचिस की तिल्ली जला करके या फिर लाइटर जला करके उसके टॉप में रखेंगे, माना आप टेस्ट ट्यूब में रख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन निकल रही है और आप माचिस जला करके वहां रखेंगे, पॉप साउंड के साथ वो माचिस की तिल्ली बुझ जाएगी। तो आप समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन निकल चुकी है, हाइड्रोजन गैस बाहर आ चुकी है। तो क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसे भी हम आसानी से लैब में कर सकते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट में आइडोफॉर्म बनता है। अब कैसे बनता है आइए समझते हैं। और आइडोफॉर्म टेस्ट केवल वो अल्कोहल देते हैं जिनमें बीटा हाइड्रोजन का नंबर 3 हो। इट मींस अल्कोहल ऐसा होना चाहिए, ये अल्कोहल से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसे बीटा कार्बन कहते हैं। तो मैंने कहा बीटा कार्बन में 3 हाइड्रोजन की प्रेजेंस मस्ट है, तो इस वाले कार्बन में, इस बीटा कार्बन में 3 हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तभी वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। और यहाँ पर बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन नहीं पूरी करनी है, तो बाकी इसकी वैलेंसी भी हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। तो हमने ऐसा अल्कोहल लिया है जिसमें 2 कार्बन है और बीटा वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। इसका नाम है एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल भी हम कह सकते हैं। इस एथाइल अल्कोहल का हम जब आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। 3 स्टेप में आपके लिए इजी बनाने के लिए मैं 3 स्टेप में बता रही हूँ, वरना आप 1 स्टेप में भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। ये कैसे समझते हैं? सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के रिजल्टेंट ये 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे इस ऑक्सीजन के साथ और H2O रिलीज हो जाएगा। अब जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो है CH3CHO, ये है एसीटल्डिहाइड। तो अल्कोहल से पहले स्टेप में एसीटल्डिहाइड बन गया, और सेकेंड स्टेप में हम इसी एसीटल्डिहाइड को लेंगे और रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ये एसीटल्डिहाइड रिएक्शन करेगा फर्दर I2+NaOH के साथ। I2+NaOH मेन रिएजेंट होता है आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। तो I2+NaOH जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये 3 आयोडीन इन 3 हाइड्रोजन के बदले बैठ जाएंगे। इट मींस ये आयोडीन हमने लेने पड़ेंगे 3। तो 3 आयोडीन यहां पर आ जाएंगे हाइड्रोजन के बदले, जहां जहां हाइड्रोजन है कार्बन के साथ उसके बदले आयोडीन आ जाएंगे और CHO। इसे हम ट्राईआयडो एसिटल्डिहाइड कहेंगे। और इसके अलावा ये बाकी के जो 3 आयोडीन है, 3 आयोडीन तो यहां जुड़ गए, हमने 3 लिए थे, इट मींस 6 हो गए थे, तो बाकी के 3 हाइड्रोजन इस सोडियम के साथ निकलेंगे, तो ये सोडियम भी 3 लेने पड़ेंगे। तो 3 सोडियम आयोडाइड रिलीज होंगे और साथ में ये जो 3 एच थे, ये 3 ओ एच के साथ 3H2O रिलीज करेंगे। अब थर्ड स्टेप भी हम ट्राईआयडो एसिटल्डिहाइड के साथ शुरू करेंगे। ट्राईआयडो एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हम फिर से NaOH के साथ करेंगे, क्योंकि आयोडीन जितने हमें चाहिए थे
उतने मिल गए हैं। अब हम केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम इसके साथ करेंगे तो यहां से CI3 और ये H जो बनता है वो है CHI3। ये है आयडोफॉर्म। हॉस्पिटल से एक स्पेसिफिक स्मेल आती है, हॉस्पिटल की वो स्पेसिफिक स्मेल इस आयोडीन की वजह से है, आयडोफॉर्म की वजह से है। इसे हम डिसइंफेक्टेंट की तरह हॉस्पिटल्स में पोछा लगाने के लिए, सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से वहां एक पंजेंट स्पेसिफिक स्मेल हम सूंघ पाते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा जो निकलेगा वो होगा HCOONA, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। अब जब इन रिएक्शन तीनों रिएक्शंस को हम जोड़ेंगे तो तीनों रिएक्शनों को जोड़ने के बाद ये इससे ये कटा, इससे ये कटा, बाकी चीजें हम जोड़ लेंगे तो C2H5OH प्लस 3I2 प्लस 3N1 4NaOH रिजल्ट्स 1CHI3 1HCOONA प्लस 3NaI प्लस 3N1 4H2O। तो ये फाइनल रिएक्शन है जो हमारी बुक्स में मेंशन होती है और यही रिएक्शन है अल्कोहल का आयडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन तीन स्टेप में करने का रीजन ये था कि हम इजीली रिएक्शन कर पाए। नेक्स्ट टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट का यूज होता है और ल्यूकास टेस्ट जो है ये स्पेसिफिक टेस्ट है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में डिफरेंट करने के लिए। अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स, पहले इनके एक एग्जांपल लिख लेते हैं और समझते हैं क्या है ये। जैसे प्राइमरी अल्कोहल होगा वो अल्कोहल जिसमें कार्बन पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी कि जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है अगर उसके पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे हम प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। तो ये है प्राइमरी अल्कोहल। और वो अल्कोहल जिसके कार्बन पर, यानी कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें केवल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल होगा जिसके कार्बन में एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, कोई अदर एल्किल ग्रुप CH3 C2H5 या कोई और बड़ा ग्रुप वहां पर अटैच हो सकता है। तो इन तीनों में डिफरेंस करने के लिए, अंतर करने के लिए ल्यूकास रिएजेंट का यूज होता है। एंड ल्यूकास रिएजेंट इज HCl प्लस ZnCl2 इन एनहाइड्रस सिचुएशन। तो एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल की तो ये टर्बिडिटी देगा। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन। इसका मतलब जैसे ही हम HCl/ZnCl2 टेस्ट ट्यूब में इस प्राइमरी अल्कोहल के साथ डालेंगे तो वहां धुंधला पानी नजर आएगा विद इन 2-3 सेकेंड्स। और जब हम यही चीज ल्यूकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस इसको लेंगे तो विद इन 5 मिनट्स टर्बिडिटी शो होगी। इसका मतलब 5 मिनट बाद, थोड़ा टाइम ये लेगा, 5 मिनट बाद यहाँ टर्बिडिटी शो हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। नेक्स्ट, टर्शियरी अल्कोहल में हम HCl और ZnCl2 अगर डालते हैं, ऐड करते हैं तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी टर्बिडिटी शो नहीं होती है। तो ये टेस्ट है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को अलग अलग करने के लिए, तीनों में अंतर देखने के लिए कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। फोर्थ और लास्ट टेस्ट है अल्कोहल का विक्टर मेयर टेस्ट, जिसे विक्टर मेयर ने दिया था। विक्टर मेयर टेस्ट भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में डिफरेंस करने के लिए होता है। तो समझते हैं कई स्टेप्स में ये टेस्ट होता है, जो समझते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन करती है। हम जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसके कार्बन पर अल्कोहल प्रेजेंट है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो 2। अगर 2 हाइड्रोजन वाला अल्कोहल है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में हम सबसे पहले P+I2 लगाएंगे, यानी कि आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। तो ये OH के बदले पहले स्टेप में आयोडीन वहां पर एड हो जाएगा, इट मीन्स ये बना देगा RCH2I।
अब इसमें हम फर्दर लगाएंगे AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट लगाते ही यहां से AgI रिलीज हो जाएगा और NO2 के बदले बैठ जाएगा CH2NO2। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम होनो यूज करेंगे। होनो इज HNO2, इसे हम नाइट्रस एसिड भी कह सकते हैं। इसे लिखने का तरीका ये भी हो सकता है HNO2, इट इज नाइट्रस एसिड। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड एंड दिस इज नाइट्रस एसिड। तो जैसे ही हम होनो लगाते हैं तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पे से ये दो H और ये O रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा RC double bond NOH विद सिंगल बॉन्ड NO2। ये प्रोडक्ट जैसे ही बनेगा इसके कुछ सेकंड बाद जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, तो जैसे ही NaOH इसमें ऐड किया जाएगा ये ब्लड रेड कलर शो करेगा। तो ब्लड रेड कलर आते ही हम समझ जाएंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यही टेस्ट करेंगे, स्टेप्स यही रहेंगे। तो दोबारा समझते हैं किस तरीके से ये टेस्ट होता है। सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर एक है तो एक हाइड्रोजन के साथ हम सबसे पहले P+I2 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। तो यहाँ पे OH के बदले एक आयोडीन बैठ जाएगा CHR और OH के बदले एक आयोडीन, मतलब आइडो सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। फर्दर हम इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करेंगे, AgNO2 के साथ करेंगे। तो Ag सिल्वर नाइट्राइड के साथ इसकी रिएक्शन जैसे ही होगी तो AgI रिलीज हो जाएगा और बनेगा CHR और यहाँ पे I के बदले NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम फर्दर करेंगे HONO नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड के साथ जैसे इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पे से एच और ये वाला OH रिलीज होगा। यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट थे तो दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिलीज हुए, लेकिन यहाँ केवल एक हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन इस OH के साथ रिलीज होगा, यही अंतर है इन दोनों के बीच। और बनेगा CR, NO2 पहले से प्रेजेंट है और यहाँ पर NO ग्रुप जुड़ जाएगा। और जैसे ही इस वाले कंपाउंड में हम NaOH लगाएंगे तो यहाँ हमें ब्लू कलर नजर आएगा और ब्लू कलर के आते ही हम समझ जाएंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट विद थर्ड डिग्री अल्कोहल, अगर टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन विक्टर मेयर टेस्ट उसका हम करेंगे तो कुछ इस तरीके से टेस्ट होगा। टर्शियरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो। अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो हम समझ ही सकते हैं कि यहां से वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। आइए देखते हैं कैसे। इसमें हम P+I2 जैसे ही लगाएंगे तो OH के बदले यहाँ आयोडीन आ जाएगा और आयोडीन फर्दर इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ सिल्वर नाइट्राइड के साथ करेंगे तो यहाँ पे से AgI रिलीज हो जाएगा और बनेगा नाइट्रो सब्स्टिट्यूट। अब फर्दर इसकी रिएक्शन जब हम होनो के साथ करते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है, इट मींस कोई भी प्रेसिपिटेट प्राप्त नहीं होगा। तो विक्टर मेयर टेस्ट से प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं और टर्शियरी अल्कोहल कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में हमने चार टेस्ट सीखे अल्कोहल्स के। पहला टेस्ट था सोडियम टेस्ट या मेटल टेस्ट, इससे हम सारे अल्कोहल्स का पता लगा पाते हैं। अगर हम अल्कोहल में कोई मेटल ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और वहां पर आग बुझेगी, या कैंडल से आग बुझाएं या चाहे आप माचिस की तिल्ली में आग जला के देखें तो पॉप साउंड के साथ वो आग बुझ जाएगी। तो हम समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो चुकी है और जो प्रेजेंट ग्रुप है हमारे पास वो अल्कोहल ग्रुप है। सेकेंड टेस्ट हमने किया आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट केवल वो अल्कोहल्स देते हैं जिनमें बीटा हाइड्रोजन का नंबर 3 होता है और येलो प्रेसिपिटेट वहां पर हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट टेस्ट था ल्यूकास टेस्ट, जिसे हम टर्बिडिटी टेस्ट भी कह सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी दे देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी शो करते हैं और टर्शियरी अल्कोहल कोई भी टर्बिडिटी शो नहीं करते हैं विद ल्यूकास रिएजेंट। और जो लास्ट टेस्ट था विक्टर मेयर टेस्ट, उसमें हम फर्दर बहुत सारे टेस्ट करते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं और रिएक्शंस के बाद प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर प्रेसिपिटेट, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर प्रेसिपिटेट और टर्शियरी अल्कोहल कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं।
आई होप आपको ये सभी टेस्ट समझ आए होंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप चाहे किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स सो मच।